सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 9th में विषय हिंदी, जिसमें आज हम पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग एक के, जिसमें आज का हमारा शीर्षक इस जल प्रलय में, जो फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक रिपोर्टाज है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च सन 1921 को ओराड़ी हिंगना जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था। लेखक आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। लेखक का देहांत 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में हुआ। लेखक की रचनाएं, इनका साहित्यिक सृजन जो इस प्रकार है, कहानी संग्रह जिसके अंतर्गत इन्होंने ठुमरी, अग्निखारे, अच्छे आदमी आदि अनेक कहानियां लिखी और उपन्यास के अंतर्गत मैला आंचल, पलटू बाबू रोड आदि अनेक उपन्यास लिखे, संस्मरण भी लिखे और रिपोर्टाज के अंतर्गत नेपाली क्रांति कथा, जो कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित थी, जिस पर बॉलीवुड में एक बहुत चर्चित फिल्म बनी जिसका नाम था तीसरी कसम, जिसने अनेकों पुरस्कार जीते। आज हम रेणु जी द्वारा लिखित रिपोर्टाज इस जल प्रलय में, आज हम इसका पाठ करते हैं। इस पाठ में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने बाढ़ के विभीषिका, उसकी भयंकरता को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला है जहाँ विभिन्न नदियों के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लेने आते हैं। लेखक प्रत्येक क्षेत्र में जन्मा था, उसे तैरना नहीं आता था। वह दस वर्ष की उम्र में ही बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता रहा था। जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब उसने बाढ़ पर सन 1947 में जय गंगा, 1948 में हड्डियों का पुल आदि अनेक रिपोर्टाज लिखे। गांव में रहकर उसने बाढ़ की प्रलय को देखा सुना तो था, पर 1967 में पटना में आई बाढ़ को उसने देखा भी और भोगा भी। वह भी आम आदमी की तरह, यह अनुभव उसने पटना के गोलघर इलाके में रहकर प्राप्त किया। सन 1967 में पटना में लगातार 18 घंटे जोरदार वर्षा हुई, जिससे पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। इस वर्षा से पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा जो निचले क्षेत्र से, उनमें भी भर गया। बाढ़ की भयंकरता बढ़ती जा रही थी। बाढ़ के समय लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कामपोज जैसी जो हमारी दैनिक वस्तुएं थी, उनको इकट्ठा करने लगे। लोग बाग जो हैं सभी
जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी वस्तुओं को इकट्ठा करने में जुट गए। बाढ़ का पानी शहर में बढ़ता ही जा रहा था। सुबह तक राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, दोपहर तक गोलघर जल से घिर चुका था। लेखक अपने मित्र के साथ बाढ़ का आकलन करने तथा काफ़ी पीने जाना चाहता था, परंतु काफ़ी हाउस बंद था। अन्य लोग भी अपने अपने तरीके से बाढ़ की इस भयंकरता को देखने के लिए निकल पड़े तथा तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। सड़क की ओर बढ़ते पानी को देख लेखक ने अपने मित्र से कहा कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। मृत्यु के इस तरल दूत को आता देख लेखक ने उसे प्रणाम किया और वापस मुड़ गया। लेखक ने देखा कि होटल पैलेस, इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर और गांधी मैदान की हरियाली पर पानी फिर रहा था। यह सब देखना उसके लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। गांधी मैदान की रेलिंग को पकड़े हुए लोग यूं खड़े थे जैसे रामलीला का राम रथ वहाँ से निकलने वाला हो। चारों ओर बाढ़ का गेरुआ पानी ही दिखाई दे रहा था, जिसमें पानी का रंग भी बदल गया था। रेडियो और जनसंपर्क विभाग की गाड़ियाँ लोगों को बाढ़ के लिए बार बार सावधान कर रही थी। लोगों में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि लोग इस भयंकरता को देख कर डर गए थे। वे अपना अपना सामान, जरूरी सामान, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लाद रहे थे। लोग जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर निकल जाना चाहते थे। दुकानदार अपना अपना सामान बचाने में जुटे हुए थे और सबसे अधिक जो किसी को नुकसान हुआ तो दुकानदार ही थे। लेखक मैगजीन कारण से कई पत्रिकाएं खरीदकर वापस आ गया। वह राजेंद्र नगर आया ही था कि जनसंपर्क विभाग की गाड़ी ने लाउड स्पीकर से सूचना दी कि रात 12 बजे तक राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा। बाढ़ की चिंता से ग्रस्त लेखक पुरानी स्मृतियों में खो गया। जो उसकी पुरानी यादें थी वे ताज़ा हो गई। जो उसने पहली कहानियाँ सुनी थी वे आज उसके सामने थी। उसने उसे सन 1949 की महानंदा की बाढ़, 1947 सन 1947 की बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की यात्रा, 1937 सन 1937 में सिमर बनी शंकरपुर की बाढ़ तथा 1967 में सन 1967 में पुनपुन नदी के पानी का राजेंद्र नगर में घुसने से उत्पन्न स्थितियां
एक एक कर याद आने लगी। लेखक उन पुरानी यादों में, उन पुरानी स्मृतियों में खो गया जो उसने पहले देखी सुनी थी। उस दिन भी राजेंद्र नगर के लोग रथ जगा करते रहे, रथ जगा रात भर जागते रहे। जैसे अलाउंसमेंट हो रहे थे कि 11-12 बजे तक पानी आ जाएगा, तो 2:30 बजे तक पानी नहीं आया था। और लेखक भी सोने की अनेक प्रकार की चेष्टा कर रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। जब मृत्यु सामने खड़ी हुई है सिर पर हो तो उस समय नींद तो वैसे ही भाग जाती है। ऐसे ही लेखक के साथ हो रहा था। लेखक बिस्तर पर करवट पर करवट बदल रहा था। कभी लेखक सोचता कुछ लिख लूं, कभी सोचता लेखक सो जाऊं। उसके सामने अनेक प्रकार के चित्र उपस्थित हो रहे थे। 5:30 बजे तक अचानक जब शोर हुआ तो उस शोर को सुनकर लेखक की तंद्रा टूट गई जो नींद से पहले की अवस्था है। उस आलस्य के टूट जाने पर लेखक देखता है कि चारों ओर बाढ़ के पानी के घुसने का शोर था। लेखक ने देखा कि पश्चिम की ओर थाने के सामने मोटा डोरा शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। लेखक कहता है कि यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता तो बाढ़ बचपन से देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे मेरा क्या हाल होता। अब उसे चारों ओर भूरे रंग के भेड़ों के झुंड दिखाई दे रहे थे। चाय वाले की जो झोपड़ियाँ थी वे वही चली जा रही थी। ना लेखक के पास उस समय कैमरा था, ना कलम थी, वह भी चोरी हो गई थी। कि अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।